हरियाणा में विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में अपने अपने खिलाड़ी उतार चुके हैं। इस चुनावी संग्राम में कई ऐसे नेता हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों रुपयों में है। इसी को लेकर के देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, करोड़पति उम्मीदवार जिनके महिमा है अपरंपार। हरियाणा विधानसभा चुनाव का दंगल शुरू हो चुका है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में अपने अपने खिलाड़ियों के साथ उतर भी चुकी हैं। इस चुनावी संग्राम में कई ऐसे नेता हैं जिनकी संपत्ति करोड़ों में है। इसी को लेकर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट, करोड़पति उम्मीदवार जिनकी महिमा है अपरंपार। विधानसभा चुनाव के पहले पड़ाव से उम्मीदवार आगे बढ़ चुके हैं। 21 अक्टूबर को होने वाले चुनाव के लिए सभी दलों के प्रत्याशी अपना नामांकन भी कर चुके हैं। नामांकन के दौरान दिए हलफनामे में पता चला कि कई उम्मीदवार लखपति से करोड़पति हो चुके हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि वो कौन से उम्मीदवार हैं और कौन सी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं और कहां से दावा ठोक रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई आदमपुर से कांग्रेस ने बनाया है उम्मीदवार। कुलदीप बिश्नोई के पास 100 करोड़ रुपयों से ज्यादा की संपत्ति, 5 साल में 24 करोड़ 47 लाख रुपए बढ़ी संपत्ति, 52 करोड़ 10 लाख रुपयों की चल संपत्ति, 48 करोड़ 82 लाख रुपयों की अचल संपत्ति, 2014 में 76 करोड़ 44 लाख रुपयों की संपत्ति बताई थी। कुलदीप बिश्नोई के पास 2 ऑडी कार भी हैं। कुलदीप ने 9 करोड़ 97 लाख का लोन लिया। कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु की संपत्ति 5 साल में दोगुनी हो गई। 2014 में 57 करोड़ 8 लाख 84 हजार रुपयों की संपत्ति बताई थी। 2009 में 111 करोड़ 44 लाख 22 हजार 276 रुपए हो गए। 47 करोड़ 75 लाख रुपयों की चल संपत्ति, 73 करोड़ 68 लाख रुपयों की अचल संपत्ति। कैप्टन अभिमन्यु की पत्नी के पास भी करोड़ों की संपत्ति है। नारनौंद से बीजेपी उम्मीदवार हैं कैप्टन अभिमन्यु। सुभाष बराला 4 करोड़ 48 लाख 75 हजार रुपयों की संपत्ति, 2 लाख 10 हजार रुपए नकदी, 3 बैंक खातों में 14 लाख रुपए, 16 लाख की इनोवा कार, 11 तोले सोना भी है, 25 लाख रुपयों का हालांकि लोन भी है। टोहाना से बीजेपी उम्मीदवार हैं सुभाष बराला। रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस उम्मीदवार रणदीप सुरजेवाला की संपत्ति हुई कम, 4 करोड़ 88 लाख रुपयों की अचल संपत्ति, 3 करोड़ 6 लाख रुपयों की चल संपत्ति। कैथल से कांग्रेस प्रत्याशी हैं रणदीप सुरजेवाला। 2014 में आए 78 लाख 46 हजार 390 रुपयों की संपत्ति बताई। 2019 के हलफनामे में 76 लाख 39 हजार 190 रुपए बताई। राकेश दौलताबाद बादशाहपुर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं राकेश दौलताबाद। राकेश के पास कई महंगी गाड़ियां, 5 लाख की रेंड रोवर, 10 लाख की स्कोडा रैपिड, फॉर्च्यूनर, इनोवा, सेंट्रो कारें भी हैं। राकेश की पत्नी के पास भी फॉर्च्यूनर कार, पत्नी के पास 60 तोले से भी ज्यादा का सोना। नरेंद्र गुप्ता फरीदाबाद से बीजेपी प्रत्याशी नरेंद्र गुप्ता सबसे अमीर, 25 करोड़ 66 लाख 38 हजार 647 रुपयों की चल संपत्ति, 32 करोड़ 92 लाख 50 हजार रुपयों की अचल संपत्ति, 58 करोड़ 58 लाख 38 हजार 697 रुपयों की कुल संपत्ति। सीमा त्रिखा बड़खल से बीजेपी प्रत्याशी हैं सीमा त्रिखा, 2 करोड़ 45 लाख 23 हजार 158 रुपयों की प्रॉपर्टी। नगेंद्र भड़ाना फरीदाबाद एनआईटी से बीजेपी प्रत्याशी हैं नगेंद्र भड़ाना, 2 करोड़ 70 लाख 61 हजार 155 रुपयों की संपत्ति। राजेश नागर तिगांव से बीजेपी प्रत्याशी हैं राजेश नागर, 8 करोड़ 46 लाख 35 हजार 564 रुपयों की संपत्ति।
करोड़पति प्रत्याशी की लिस्ट में बीजेपी के कैंडिडेट्स की संख्या ज्यादा है। करोड़पति उम्मीदवारों की अपरंपार महिमा से बीजेपी समेत बाकी पार्टियों की नैया भी पार लगती है। हाँ, पर ये तो 24 अक्टूबर के रिजल्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।